नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। आज जो आंकड़े आए उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। 3,60,000 मरने वाले 3,293। पहली बार ऐसा हुआ है कि 3,000 का आंकड़ा मरने वालों का पार किया है। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। कल संख्या घटी थी लेकिन आज फिर वहीं पे 66,000 पहुंच गई। दिल्ली भी अपने 24,000 के आसपास है। 381 लोगों की डेथ हुई है। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही है जिससे सुकून मिले। और इस बीच ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पताल की कमी और सड़क अस्पताल के चौकट पे तोड़ती जिंदगी देख करके किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन सरकारों का क्या है, उनकी तो चमड़ी मोटी है, उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है। इस बीच अस्पतालों ने, बिचौलियों ने, दलालों ने लूट खसोट का इसको अवसर मान लिया है। आपदा में वो अवसर ढूंढ रहे हैं। अस्पताल बेड बेच रहे हैं, अस्पताल दवाई बेच रहे हैं। 5,000 की दवाई 25,000 में बिक रही है, 1,00,000 में बिक रही है। दवाइयाँ मिल नहीं रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सिस्टम फेल है। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू भी है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग निजी तौर पे और सामूहिक रूप से निकल करके आ रहे हैं जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन लंगर लगा रहा है तो कोई ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, उसमें प्यारे खान जैसे भी लोग हैं। अभी जो वाकया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये बहुत ही मार्मिक है। इनका नाम है नारायण भावराव दाभाडकर, रहने वाले हैं नागपुर के, उम्र है 85 साल। इनको कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो आपको पता है कि आजकल अस्पताल में बेड हासिल करना, डॉक्टर की सेवा हासिल करना कितना मुश्किल है। सो परिवार वालों ने किसी तरीके से एक अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था की। नारायण साहब पहुँचे भर्ती होने के लिए। कागजी खाना पूर्ति अभी चल ही रही थी, इनको बेड मिल गया था। तब तक एक महिला रोती पीटती बिलखती हुई आई वहाँ पे और कही कि यदि मेरे पति को बेड नहीं मिला तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं किससे कहूँ, इतना सुनना था कि नारायण भावराव दाभाडकर द्रवित हो गए। इन्हें लगा कि ये जीवन किस काम का, मैं 85 साल का हो चुका हूँ, अपना जीवन मैं जी चुका हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा बेड आप इस महिला के पति को दे दीजिए, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टरों ने और स्टाफ ने समझाया कि ये बेड आपको अलॉट हुआ है, बिना आपकी मर्जी के किसी को नहीं दिया जा सकता। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना बेड दे रहा हूँ। ये भी बताया गया कि आपकी भी पोजिशन क्रिटिकल है। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अस्पताल ने कहा कि आप लिख करके दे दीजिए कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ अपने स्वेच्छा से। इन्होंने लिख करके दे दिया। उसके बाद ये घर लौट करके आए और 3 दिनों में इनकी डेथ हो गई, क्योंकि हालत इनकी भी सीरियस थी। इसके बाद सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीर और इनके कहे हुए शब्द वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 ट्वीट किए हैं इनको लेकर के। समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाले को प्रणाम किया है कि ये प्रेरणा स्रोत है, ये आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए भी जो आरएसएस है या बीजेपी के नेता हैं वो इनको याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों ट्वीट किए सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मामा जी आपके रहते हुए शर्म नहीं आ रही है, इन्होंने अपना बेड दे दिया किसी और को, सरकार की क्या ये नाकामी नहीं है कि उनको बेड नहीं मिला? यदि सरकार सक्षम होती तो इनको दूसरा बेड उपलब्ध कराती, तब तो सरकार कुछ कहने लायक थी। ये सरकार क्या कहेगी, सरकार और सिस्टम तो पूरी तरह से फेल है। फिर ये जा करके स्वर्ग में किसको कोसेंगे? लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। काफ़ी इस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को। कुछ सराहना भी कर रहे हैं किनकी, नारायण भावराव दाभाडकर की, कि इन्होंने ऐसा त्याग किया कि अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान दे करके दूसरे की जान बचाई है। तो ये इनकी महानता है, सरकार का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? इसमें तो एक लाइन के सरकार की तरफ से बात आ रहा है कि इन्होंने त्याग किया। सरकार क्या जाने कितने घरों के दीपक बुझ गए, इस महामारी ने बुझा दिए। सत्ता की लालच में पूरे देश को महामारी के, आप कह सकते हैं सुरसा की तरह जो मुँह फैला रही है, उसमें झोंक दिया गया है। और अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, क्या करेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।